हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिलकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही लौकी का परांठा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। फ्रेंड्स, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल पे फ्रेंड्स और भी काफ़ी परांठे की रेसिपी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देखिए। और फ्रेंड्स, इस परांठे को बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं दही लौकी का परांठा कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, परांठे की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है लौकी का परांठा है, तो लौकी तो बनती ही है, तो इसमें मैंने एक छोटी ये लौकी ली है। इसका हमें जितना पार्ट चाहिए हम उतना ले लेंगे, क्योंकि हमें जितनी हमारी फैमिली के हिसाब से हमें चाहिए उसी हिसाब से हम इसको ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे हाफ लौकी जो है वो ले रही हूँ, और इसका छिलका जो है हम उतार रहे हैं। परांठा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, अब इसको बीच में से कट कर देंगे। इसमें देखेंगे कहीं बड़े बीज तो नहीं है, अगर इसमें बड़े बड़े बीज हैं तो उनको हम निकाल देंगे, लेकिन इसमें है नहीं है, बहुत कच्ची वाली लौकी है ये। अगर आपके पास भी कच्ची वाली लौकी है तो नहीं होंगे उसमें भी, अगर बड़ी लौकी आप लेते हैं ना तो उसमें कई बार बीज होते हैं, तो फिर वो बीज हम इसमें नहीं डालेंगे। तो अब हमने इसको कद्दूकस करना है। और फ्रेंड्स, जो इसकी बड़ी साइड है कद्दूकस, इसका जो ग्रेटर ये बड़े साइड के ब्लेड हैं, हमने उनसे कद्दूकस करना है इनको, ये बारीक वाली साइड से नहीं करना, क्योंकि अगर बारीक वाली साइड से करते हैं तो इसमें से बहुत ज्यादा जूस होता है लौकी में, तो फिर वो उसमें बहुत सारा जूस जो है वो निकलता ही रहेगा परांठे में। तो आप बड़े साइज की मोटे साइड से इसको ग्रेट करें। से देखिए थोड़े बड़े बड़े हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लौकी जो है मैंने ग्रेट कर ली है। अब हमने इसको निचोड़ लेना है, इसमें बहुत सारा जूस होता है फ्रेंड्स लौकी में, तो इतने जूस के साथ परांठा नहीं बन सकता है, तो इसको इस तरीके से आप इससे निचोड़ लें। इसीलिए मैंने आपको ये बताया मोटी साइड से आप इसको ग्रेट करें, जो कद्दूकस हमारा ग्रेटर होता है, और जो इसका जूस है ना फ्रेंड्स उसको फेंके ना। जब हम इसके लिए अभी आटा लगाएंगे तो ये जूस जो है आटे में छान के हम इसमें ऐड करेंगे, और इस तरीके से अच्छी तरह से आप इसको निचोड़ लें। लौकी का जूस बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप जानते ही हैं लौकी कितनी हेल्दी है। लौकी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी, हमारा वेट काफी लूज हो जाता है, वेट लूज के लिए लौकी बहुत बढ़िया है, लौकी का जूस अगर रेगुलर पिए। तो फ्रेंड्स, अभी परांठे के लिए हम जो हमने भरावन तैयार करना है, पिट्ठी तैयार करनी है, वो हम तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स ये आलू लिए हैं, मैंने 3 आलू लिए हैं। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग, आपका जितना भी आपको परांठे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इनको अब हम अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे, उबले हुए आलू हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमने जो इसमें जो लौकी ग्रेट करके रखी है उसको इसमें ऐड करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसे प्याज रखा है बारीक कट करके, अगर आप प्याज खाते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। और ये हरी मिर्च हैं, 3-4 हरी मिर्च यहाँ पर काट के रखी हैं, इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले, इसमें मैं लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, लाल मिर्च मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, और इसमें अब हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना फ्रेंड्स परांठा डाइजेस्ट करने के लिए अच्छी होती है, तो डाल लीजिए। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हल्दी, और अब मैंने लिया है हरा धनिया, इसको भी हम इसमें काट के डाल देते हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लगा लेते हैं परांठे के लिए आटा, तो इसके लिए मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है, और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। इसमें नमक डाल दिया मैंने, स्वाद के अनुसार नमक है, आप जितना आटा लेंगे उसके हिसाब से आप नमक डालें। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रहे हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, इसकी जगह आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। ये घी और तेल इसमें डालने के लिए फ्रेंड्स ये मोइन होता है, और इससे हमारा परांठा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो इसलिए हम इसको इसमें डालते हैं। ये हमने अब डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी दही, अगर आप ज़्यादा आटा ले रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें, और हेल्दी भी बहुत है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, सॉफ्ट डो लगा लेंगे इसका। फ्रेंड्स ये आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है बहुत अच्छे से, और अब हम इसको साइड पे, फ्रेंड्स आटा हमने लगा लिया है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाया है, तो अब इसको हमने 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के रख देंगे। दूसरे बर्तन में मैं शिफ्ट कर रही हूँ इसमें से, और अच्छे से इसको ढक देना है ताकि ये ड्राई ना हो। फ्रेंड्स ये
यहाँ पे हमारी पिट्ठी भी रेडी हो चुकी है, भरावन जो है, और उसके बाद आटा भी अब हमारा रेडी है और अब हम परांठा बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक लोई, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही ले लीजिए, जैसे आप थोड़ा सा मतलब चपाते से थोड़ा बड़ा लेंगे, परांठे के लिए थोड़ा बड़ी लोई ही चाहिए होती है क्योंकि बहुत ज्यादा पतला करते हैं ना तो परांठा फिर फट जाता है। तो इसमें इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे इसको हाथ से और अब इसको इस तरह से कटोरी जैसा बनाएंगे और इसमें हम जो हमने ये फिलिंग रखी है उसको इसमें डाल देंगे तरह से, और उसके बाद इसको ऐसे दबाएंगे और जैसे भी आप बंद करते हैं उसी हिसाब से आप परांठा जैसे बनाते हैं वैसे आप इस तरह से पैक कर दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद इस तरह से जरूर करें ताकि हमारी जो पिट्ठी है वो सारे परांठे में एक इक्वली फैल जाए। तो अपने फ्रेंड्स इसको आटे के बीच में इस तरह से अच्छे से डिप कर लेना है, आटा लगा लेना है इसमें, और उसके बाद इसको चकले पे रख के या आप इस पे प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं तो आप उस तरह से बना लीजिए, ऐसे फैला लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद हल्के हाथ से इसको इस तरह से बेल लीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर से ना बेलें क्योंकि अंदर पिट्ठी होती है तो थोड़ी पिट्ठी इसकी सॉफ्ट रहती है, घिया जो लौकी जो होती है वो जूस वाली होती है बहुत ज्यादा, तो जब हम नमक डालते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा जूसी ये हो जाता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसको बेल ताकि हमारा परांठा जो है वो फटे ना। ये देखिए ये बन गया है हमारा परांठा, अब हमने गैस की तरफ चलना है, तवा मैंने रख दिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तवा हमारा गर्म है और अब हम डाल देते हैं जो हमने परांठा बेल के रखा है उसको इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर तक पकने देते हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। एक साइड से थोड़ा पक गया है फ्रेंड्स तो हम दूसरी साइड से इसको पलट लिया है और अब हमने इसको इसके ऊपर घी लगाना है। आप जो भी खाते हैं घी, मक्खन या रिफाइंड जो भी आप खाते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसको दूसरी साइड से भी पलट देंगे और उस साइड भी घी लगाएंगे, दोनों तरफ से इसको पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए परांठा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इस परांठे को सर्व कर लेते हैं। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा बना है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी। तो अब इसको हम उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, घिया और दही का परांठा, लौकी दही का परांठा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, थैंक यू।